सत्य बोलो, सदा शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करो। ये सीख आप बचपन से सुनते आ रहे हो, परंतु मैं कहूंगा कि शुद्ध एवं सरल जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सावधान भी रहो। आंधी चक्रवात की मार हो या मनुष्य का प्रहार, जो वृक्ष सीधे तन कर खड़े रहते हैं वो सबसे पहले गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आंधी के समक्ष झुकना आता है वे बच जाते हैं। सत्य के मार्ग पर टिके रहना उचित है, परंतु दुष्टों से बचने के लिए समय के साथ ढलना आना चाहिए, सावधानी की लोच सीखनी चाहिए। माखन में मिला थोड़ा सा नमक उसके गुणों को नष्ट नहीं करता, अपितु उसमें घुलकर उसे नष्ट हो जाने से बचाता है। इसी प्रकार एक सच्चे एवं सरल मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी चतुरता एवं सावधानी रखना आवश्यक। इस नीति को अपनाई नियति स्वयं बदल जाए। वृक्ष उगाने के लिए सब अच्छे से अच्छे बीज उपयोग में लाते हैं, क्योंकि बीज ही यह निश्चित करता है कि उगने वाला पौधा एक वट वृक्ष बनेगा या कांटेदार झाड़ी। परंतु उस वृक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित करती है वो माटी, वो भूमि जिसमें वो बीज पनपेगा, क्योंकि यदि माटी बंजर हुई तो बीज सूखकर मर जाएगा, और यदि माटी में खारापन हुआ तो वो बीज एक छोटा सा पौधा बनकर ही सीमित रह जाएगा। इसलिए माटी पर ही निर्भर करता है कि कौन सा बीज भविष्य में एक विशाल वट वृक्ष बनकर सैकड़ों को घर देगा, सहस्त्रों को छाव देगा। यही संबंध है राजा और प्रजा के बीच। राजा यदि बीज है तो प्रजा है माटी। इसलिए यदि श्रेष्ठ शासक से उत्तम शासन पाना है तो प्रजा को स्वयं सावधान रहना होगा, निरंतर स्वयं पर कार्य करते रहना होगा, क्योंकि राजा इसी राज्य से बनता है। इसलिए आवश्यकता राजा से अपेक्षा की नहीं है, आवश्यकता है स्वयं की कर्म परीक्षा की। भय यदि मन के भीतर ही रहे तो प्राणों की रक्षा करता है, परंतु यदि वही भय मन से बाहर आ जाए तो प्राणों का शत्रु भी बन जाता है। संसार का सबसे भयंकर जीव होता है सर्प, परंतु यहां यह जानना भी आवश्यक है कि सर्प एक अत्यंत भीरु प्राणी भी होता है। छिप कर रहता है, झाड़ियों में विचरण करता है, कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। परंतु एक विचित्र तथ्य यह भी है कि सभी सर्प विषैले नहीं होते, ना ही हर किसी को सर्प डसता है, फिर भी सब सर्प से भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्प को फुंकारना आता है। इस प्रकार अपने भय को ही अपनी शक्ति बनाकर वो कई द्वंद्व जीत जाता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है। भयभीत होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु भयभीत होने पर भी अपने भय को अपने शत्रु पर प्रकट मत होने दो, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीता जाता, कुछ केवल शक्तिशाली होने का अभिनय करके भी जीते जा सकते हैं। नीति मेरी, नियति आपकी।